नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? अगर आप लोग भी बिहार सब इंस्पेक्टर जो नई वैकेंसी आने वाली है लगभग 2300, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो देख लीजिए। देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, है ना। यह 26/12/2021 के प्रश्न हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा में जो हुआ था पीटी, उसमें पूछा गया था। तो इसमें जो है क्वेश्चन है ना, वह है करंट अफेयर को हम छोड़ दिए हैं क्योंकि करंट अफेयर तो बदलते रहेगा। तो करंट अफेयर और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो है उसको हम छोड़े हैं, है ना। तो बाकी जीके जीएस के जितने प्रश्न हैं उसको हम इसमें जोड़ दिए हैं और सबका आंसर भी बिल्कुल बढ़िया से हाईलाइट करके दे दिए हैं। तो इसको करने से आपको ये पता चलेगा, इसको पढ़ने से, कि कैसा क्वेश्चन बनता है, कहाँ कहाँ से बनता है ना, ताकि जो एग्ज़ाम होगा ये आपको फायदा हो जाएगा एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर बढ़िया लगेगा तो कहिएगा, फिर मैं जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार सब इंस्पेक्टर में सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में कराएंगे। ये बस हम आपको दिखाने के लिए करा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं, पहला ही प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखिए। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? कह रहा है कि वह कौन सी संधि थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध का समापन किया, है ना, उस संधि का नाम बताइए। तो देखिए उस संधि का नाम है, वह है नॉनकिंग संधि, है ना। और पूछ दे, मान के चलिए कि इस बार पूछ दे कि यह नॉनकिंग संधि कब हुई थी, तो 1842 ईस्वी में इसी संधि के द्वारा जो है वह अफीम युद्ध का समापन हुआ था। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको पूछता है ना। तो चलिए सभी प्रश्नों को कर देते हैं, फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसी में। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? एंकर है ना, एंकर जो शब्द है इसका उपयोग होता है रिले रेस दौड़ में। किस में होता है? रिले रेस दौड़ में होता है एंकर शब्द का प्रयोग। चलिए तीसरा नंबर सवाल पर आते हैं हम लोग। देखिए बहुत बढ़िया साइंस का सवाल है ये। क्या कहता है? किरचॉफ का धारा नियम जो है वह खाली स्थान के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वह खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है। क्या पूछ रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है और किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर? तो धारा नियम जो है वह आवेश पर आधारित है, और अगर पूछे कि वोल्टेज नियम तो बताएंगे ऊर्जा पर, ठीक ना। धारा नियम आवेश और वोल्टेज नियम ऊर्जा पर, तो दोनों एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें, चौथा नंबर सवाल। चलिए देखिए क्या प्रश्न आया था। हिस्ट्री से प्रश्न भी आते हैं, देखिए हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। और हिस्ट्री में प्रश्न क्या है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो हर्षवर्धन थे इसकी साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। और यह जो कन्नौज है ना, यह हर्ष के समय में उत्तर भारत का प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। उत्तर भारत में कौन कौन सा आएगा? उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत का ये है, ये सीमा है, और जो नीचे ये वाला सीमा है यह दक्षिण भारत हो जाता है। तो उत्तर भारत में इधर का आएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड आ जाएगा, आपका पंजाब, हरियाणा, ये सब कुछ जो है वह उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, ठीक। तो उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र जो था यह बिहार उहार जो भी है, यह भी जब भारत को दो भागों में बांटते हैं दक्षिण और उत्तर, तो उत्तर साइड में ही आता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर अब आते हैं। बढ़िया प्रश्न है ये भी। किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया था? तो एली लिली कंपनी थी इसने। अच्छा देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो कितना हो पढ़ लीजिए ना तो वो छोड़ना ही होगा, तो वैसे प्रश्नों को छोड़िएगा, है ना। उसके चक्कर में ज्यादा दिमाग ना खराब करिएगा। दो चार प्रश्न होंगे जो आपको छोड़ना ही है, तो परेशान मत होइए। चलिए हम लोग चले छठवें नंबर सवाल। चलिए देखिए पुस्तक से भी प्रश्न आता है, दो तीन प्रश्न पुस्तक से आता है, तो पुस्तक को देख लेते हैं। ए प्रोमिस्ड लैंड जो पुस्तक है इसके लेखक, तो ए प्रोमिस्ड लैंड जो पुस्तक है उसके लेखक है बराक ओबामा। एक चीज मैं और बता दूं कि पुस्तक में नया पुस्तक और पुराना दोनों पुस्तक आता है। तो जब नया पुस्तक आप करंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा, और पुराना पुस्तक आप बुक से पढ़ लीजिएगा। अच्छा अगर आप चाह रहे हैं ना कि बिहार एसआई वाला, बिहार दरोगा वाला जो सारे क्वेश्चन हैं उसको मैं करा दूं और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा ही दूं, साथ ही साथ जो संबंधित टॉपिक है उसको भी करा दूं, तो
कमेंट करिएगा, फिर हम करा देंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सोनार, SONAR, कह रहा है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, पूछता है। ये तो बहुत बार पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जी हाँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का जो होता है वह फुल फॉर्म होता है। चले आगे। चलिए, कह रहा है पानी में कौन सी धातु जो है वह मिनी माता रोग का कारण है, यानी कौन सी धातु है जो पानी में मिली रहती है और उसको अध्ययन कर लेंगे हम तो मतलब सेवन कर लेंगे हम तो मिनी माता रोग हो जाता है। तो ये मरकरी, अगर पारा युक्त मछली आप खा रहे हैं, मरकरी पारा को ही कह रहे हैं, तो पारा युक्त मछली खा रहे हैं तो आपको मिनी माता रोग हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए घुमाता है, पारा युक्त मछली खाने से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है कि मिनी माता होता है। चलिए नौवां प्रश्न देखिए, ये भी आपका इतिहास के ही प्रश्न है, तो अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, वीडियो देखिएगा ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस से आता है, मतलब किस सब्जेक्ट से आता है, इतिहास की, भूगोल की, संविधान की, साइंस, है ना, सब समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए, बस बने रहिए ना, सब कुछ आप सीख जाएंगे और क्वेश्चन भी जान जाएंगे, तो अगर कहिएगा तो सब प्रीवियसर करा देंगे, ठीक। तो चलिए, गंधार कला शैली समन्वय है, तो गंधार कला जो है भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण है। जी हाँ, गंधार कला जो है ना वह भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण है। चलिए, भारत के प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, ई करंट अफेयर में आ गया है ना, ई कोची में आ गया, ई करंट अफेयर में आ गया। तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो है वह करंट अफेयर ई चलते ना कराए हैं कि करंट अफेयर देखिए हर साल बदल जाएगा, बदलिए ना जाएगा, अब बदल जाएगा तो फिर ऊपर से कोई फायदा ना है, नया आपको पढ़े पड़ेगा है, तो यही चलते हम जो है वो नहीं लाए हैं इसको, बाकी देख लीजिए आगे। चलिए 11वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। चलिए देखिए, तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो चाय उत्पादन में असम का है। अच्छा देखिए, चाय तो हर घर में लगभग बनता है अपने यहाँ, है ना, तो चाय हर घर में बनता है, और भाई इसमें शाम को भी चाय बन जाता है कहीं कहीं, तो शाम से याद कर लीजिए कि असम है ना, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। तो भारत में अगर कहे तो बता दीजिएगा कि असम है। देखिए आप पढ़ रहे हैं बिहार दरोगा पीटी प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 26 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ है उसका पढ़ रहे हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो जल प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम जो है यह वर्ष 1974 में पारित किया था। देखिए अगर चाह रहे हैं कि बिहार SIPT में रिजल्ट हो जाए आसानी से, तो सब्सक्राइब करके और जो भी चीज टॉपिक कराएंगे ना उसको करिए, है ना, क्योंकि इधर उधर भटकने से कोई मतलब है नहीं, वहाँ पढ़िए जहाँ आपको सही चीज दे, और हम आपको किताब भी बता देंगे कौन सी किताब से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक ना। तो जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा मन होगा तो, और ना मन होगा तो छोड़ दीजिएगा। चलिए 13वां, भारत में संघीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई, तो भारत में संघीय न्यायालय पूछ रहा है, तो संघीय न्यायालय जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जानते हैं किस नाम से भैया, तो अलाई दरवाजा। जी हाँ, कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार है यह दक्षिणी प्रवेश द्वार है, इसको अलाई दरवाजा के भी नाम से जाना जाता है। ये पूछेगा कि अलाई दरवाजा है तो कहाँ है, तो कुतुब मीनार में है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, देखिए बढ़िया समझिएगा, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार, तो देखिए शौर्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1952 में, इसी को नाम बदल करके 1967 में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार कर दिया, तो अगर ऑप्शन में 1967 है तो 1967 ही मारिएगा, अना 52 है तो 52 मार दीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत ना है। चलिए वो प्रश्न ले लेते हैं, हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखिका, अच्छा अभी ये बोले थे कि जो किताब है किताब से क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए ये अभिजीता गुप्ता जो हैं यह हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखिका हैं, तो यही ध्यान देना था आपको। चलिए 17वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं, देखिए क्या कहता है, सांची जो स्तूप है यह मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, सांची के स्तूप कहाँ में है, सांची वाला जानते हैं ना, ये मध्य प्रदेश में है,
तो यही जो स्तूप है, पूछ रहा है कि स्तूपा को कौन बनाया था, तो अशोक, अशोक का नाम जानबे करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है। और उसके बाद देखिए मौर्य वंश में, अब थोड़ा सा हम डिटेल में चला देते हैं आपको, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, बिंब भी नहीं, बिंदु, ये वाला बिंदु, फिर अशोक, सी भी है, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और अशोक। ये बिंदु और बिंबी में बहुत फंसता है लेकिन, कि बिंदु होगा कि बिंबी होगा, है ना। तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जब आप लिखते हैं तो चंद्रगुप्त में देखिए ऊपर बिंदु नहीं दे दिए, ये बिंदु दे दिए ना, तो बिंदु से बिंदु सार याद कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदु सार, तो ना भुलाइएगा, ठीक ना। अगर चाह रहे हैं ना कि बढ़िया से ऐसे ही पढ़ें हमसे, तो जुड़ जाइएगा, बहुत बढ़िया से सब कुछ हम आपको करा देंगे, एकदम कन्फ्यूजनों ना रहेगा और सब याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, तो 18 नंबर, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश पारित करता है, 21 शक्ति है वर्णित किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 123। इसने को पूछता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो ये 1, 2, 3 कह रहा है राष्ट्रपति, और राज्यपाल जब पूछे ना तो 2, 1, 3 कर दीजिएगा, यानी कि 213, तो राज्यपाल हो जाएगा, अभी हो जाएगा कौन जी, ये हो जाएगा राष्ट्रपति, तो याद हो जाएगा। देखिए बहुत मनी कहना कि किताब बहुत मनी पूछेगा, तो गड़बड़ा हड़बड़ाइएगा ना। देखिए किताब में एक यू पूछ रहा है कि यूटोपिया के लेखक, तो यूटोपिया जो है इसका लेखक टॉमस मूर है, हाँ टॉमस मूर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, अच्छा देख रहे होंगे कि भूगोल से, ज्योग्राफी से बहुत प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना, तो भूगोल के बढ़िया से पढ़ना है। अब भूगोल अगर बढ़िया से पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई अच्छा बुक से पढ़ लीजिए, या हमसे जुड़िए तो हम भी करा ही देंगे, लेकिन पढ़िएगा मन लगा के, चाहे जहाँ भी पढ़िए। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में है ना। देहरादून कहाँ में है, किस देश, किस राज्य की राजधानी है, तो बताइए जरा कमेंट करिए किसकी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, देखिए आप जरा सा समझिएगा, अब होगा यहाँ पर खेला, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये भारत के अगर नक्शा ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे है ना, टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं ऐसे, ठीक। तो अब आप देखिए ऐसा है ना भारत, हालांकि बढ़िया है। तो कहे सबसे उत्तरी बिंदु तो यहाँ वाला बताइएगा, और दक्षिणी कहे तो यहाँ वाला, और पूर्वी कहे तो ये, मतलब जो सबसे किनारे है एजा वाला, और पश्चिमी कहे तो ये, तो ई में उत्तरी पूछ रहा है। तो उत्तरी के नाम जानते हैं, इंदिरा कौल है, कौची नाम है, इंदिरा कौल, ठीक ना, इंदिरा कौल है। और ये कहाँ में है तो बताइएगा कि ये लद्दाख में है, कहे कि सबसे उत्तर तो लद्दाख होगा ना, तो लद्दाख में है। और सबसे पूरब कह दे तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिम कह दे तो बता दीजिएगा कि गुजरात में है, और सबसे दक्षिण कह दे तो भारत के कहे तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और कहे कि द्वीपों समेत या संपूर्ण भारत का, तो बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उत्तरी जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक। देखिए फिर से एक बार सुनिए, तो तने उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु ये वाला होगा भारत का होगा तो कन्याकुमारी, और अंडमान निकोबार के अगर पूछेगा संपूर्ण भारत के तो बताइएगा इंदिरा पॉइंट। इधर नीचे वाला पॉइंट और ऊपरे वाला कॉल याद रखिएगा, उत्तर कॉल और दक्षिण पॉइंट। अब पूरा पूछे तो बताएंगे किबिथू, कहीं कहीं बालांगू देता है, ठीक ना। और पश्चिम में गौर माता या गुहार माता या गुहार मोती, तो ये याद कर लीजिए, बहुत बार पूछता है। देखिए एक बदतमीजी किया था, अभी पूछ गया था इडली को किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो वह प्रक्रिया है इसे भाप स्टीमिंग से पका करके बनाया जाता है इडली को, है ना। अब अगला बार पूछ देगा मोमो, फिर पूछ देगा चाउमीन, फिर पूछ देगा पास्ता, तो ये सब खाते तो है ये हैं, तो तनी देखिए भी दुकानिया पर कि बना कैसे रहा है। दुकानदार से पूछे कैसे बनाता है वो, भाप में कि तेल में, तो वो बता देगा। कहे कि देखिए इडली पूछ जाए तो अब मोमो पूछेगा, है ना, तो देखिएगा तनी। चलिए 23वां पर आते हैं, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो द्वीप है ना यह कहाँ है पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर है यह उत्तरी अंडमान में है, अंडमान जब आप पढ़ेंगे उत्तरी अंडमान, तो ये उत्तरी अंडमान में है, तो
तो ध्यान दीजिएगा बैरन द्वीप इसका नाम है, ये उत्तरी अंडमान में है, ध्यान दीजिए। चलिए प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन जो बल्ब होता है उसमें होता क्या है, तो उसमें प्लाज्मा होता है, क्या होता है प्लाज्मा होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 25वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अच्छा मौलिक कर्तव्य को जानते हैं, एक बार थोड़ा सा जरा सा ध्यान दीजिए इस पर, मौलिक कर्तव्य जो है इसी को मूल कर्तव्य कहते हैं, तो मूल कर्तव्य हमने के मूल संविधान में जुड़ा नहीं था, समझ गए, जब संविधान लागू हुआ था 26 जून 1949 को तो ये नहीं था जुड़ल, तो एक गठन हुआ समिति के, उस समितिया के नाम ध्यान दीजिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया मूल कर्तव्य को, अब कै को जोड़ा गया तो 10 को मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन ये जो समितियां था ना सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसने 8 को सिफारिश किया था, 8 को, लेकिन 8 में इसका आव नहीं माना गया है ना, 5 को माना गया और बाकी 5 को अलग से जोड़ दिया गया, तो कुल मिलाकर के 10 को जो है उस समय था, अब 11 को हो गया है, 11वां कब जोड़ा गया तनिक कमेंट करिए, देखिए अगर मेहनत करते हैं दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सब पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की खिताब से नवाजा गया, कह रहा है कि जब जहांगीर था तो उसके शासनकाल में वो चित्रकार था, है ना, वो चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया, वो चित्रकारवा का नाम पूछ रहा है, तो चित्रकारवा का नाम जो है उस्ताद मंसूर है, क्या नाम है उस्ताद मंसूर, नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर। दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में भी एक शर्करा होता है जिसको लैक्टोज कहते हैं, क्या कहते हैं भैया लैक्टोज कहते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, फजल अली आयोग का संबंध है, तो ये जो फजल अली आयोग है इसका संबंध कौन चीज से है, तो राज्यों के पुनर्गठन से, ठीक याद रखिएगा फजल अली आयोग का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया से समझते चल रहे होंगे और सब प्रश्न हम आपको एकदम हंसी खेली में करा देंगे और सारा याद हो जाएगा, आपको यहू पता चल जाएगा, और लास्ट में जरा सा रुकिएगा भागिएगा मत, लास्ट में हम ये बताएंगे कि देखिए कहाँ से कितना प्रश्न आया, सब छांट देंगे आपको, परेशान मत होइए, 2 मिनट लेंगे समय एक्स्ट्रा लास्ट में। चलिए ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, देखिए कौची पूछ रहा है जी, तो ओडोमीटर, ओडोमीटर देखे भी नहीं किए हैं आप, मोटरसाइकिल है ना, तो मोटरसाइकिल ये में देखते हैं जो मीटरवा लगा होता है तो वो ओडोमीटर है, उससे दूरी नहीं माप लेते हैं आप, तो हाँ सर 10 किलोमीटर जाते हैं घर से कोचिंग तो मापिए लेते हैं, तो यही ओडोमीटर से दूरी मापते हैं। एगो पूछ रहा है कि अपूर्वी चंदेला इसका संबंध किस खेल से है, तो ये जो अपूर्वी चंदेला है ना निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी अपूर्वी चंदेला। देखिए एक प्रश्न है, 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब इसका वायसराय कौन था, तो सीधा सा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वह लिन लिथगो था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कौन था लिन लिथगो था। चलिए आगे आगे चलते हैं, रामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो रामसर कन्वेंशन जो संबंधित है वह आर्द्र भूमि से संबंधित है, किससे है भैया, तो आर्द्र भूमि से जो है वह संबंधित है। 33वां प्रश्न चलते हैं, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी जो है इनका राजधानी के नाम माने कहाँ राजधानी है यही पूछ रहा है, तो इसका राजधानी जो है वह रायगढ़ में, कहाँ है रायगढ़ में। सौर सेल बनने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौची से सौर सेल बनाया जाता है, तो यह सिलिकॉन से बनाया जाता है, कौची से सिलिकॉन से। चलिए अब 35वां आधा में आ गए हैं हम लोग, आधा में हम लोग आ गए हैं, परेशान ना होइए, कौन सी तेज हिमकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, विधि पूछ रहा है कि तेज हिमीकरण विधि जमावे वाला विधि कौन विधि है जकरा में तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग किया जाता है, तो वो स्प्रे फ्रीजिंग है, मारिया जम जाएगा तुरंत फट्ट से, है ना, तो ध्यान दीजिए। 36वां एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होगी, तो सर्वाधिक संख्या ये अपघटक की हो जाएगी, किसकी होगी अपघटक की हो जाएगी खाद्य श्रृंखला में, इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है अपघटक को, कि प्रकृति का ही सफाई कर्मी है। चलिए आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र की कुल संख्या उस समय की बात है 35 है, ठीक है ना, परमवीर चक्र के समय कितनी है संख्या, तो 35 है।
कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? देखिए ये तो सबको जान जाएगा, जाति प्रथा हमने ही क्या है कि भैया आप पंडित जी हैं तो शादी पंडित जी में होगा, आप यादव हैं तो आप यादव में शादी करेंगे, कोई पासवान है तो पासवान में शादी करेंगे, मतलब जातीय में शादी करेगा, ऐसा है ना। अब ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में देखिए ये तो धर लेंगे आप लोग टप से कि विवाह जो है यह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, बाहर होता है, बताइए समूह के सदस्यों के बाहर नहीं होता है, समूह में ही होता है, जिस जाति के हैं उसी में होता है ना, तो ये चीज ध्यान देना था आपको। चलिए आगे चलते हैं, कोशिका द्रव और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया इनके राइबोसोम क्रमशः होते हैं, तो इनके राइबोसोम 80, 70, 70, देखिए कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया 80S, 70S और 70S यही होता है, तीनों को याद रखिए क्रमशः याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके द्वारा कुछ विषयों को जो है वह राज्य सूची से ना संवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो कौन कौन जो है जिसको राज्य सूची संवर्ती सूची में कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन से ही किया गया है, तो इनमें आएगा वन आएगा, वन जीव आएगा और शिक्षा आएगा, ये पहले राज्य सूची में था लेकिन अब का है कि ये हो गया है कोची में संवर्ती सूची में, तो यही पूछ रहा है। और ये किससे हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन से, और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है तो बताएंगे कि सर 1976 में। चलिए 41वां नंबर प्रश्न, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया, तो सप्त क्रांति जो है इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया गया भैया किसके द्वारा, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा, किसके द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। चले अगला, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है ओकरा का नाम से जानते हैं, मैंगो सावर से, लेकिन पूछ रहा है कि कहाँ में जानते हैं मैंगो सावर के नाम से भैया, तो ये केरल में जानते हैं, कहाँ में, केरल में, और कर्नाटक भी कभी कभी दे देगा, तो कर्नाटक केरल में मैंगो सावर, अब मैंगो सावर मैंने जान रहे हैं आप लोग जानते हैं जी, आम्र वर्षा को ही मैंगो सावर कह रहा है, देखिए ऐसे ही करके प्रश्न पूछेगा, ये फंसाता है ना कि बच्चा पढ़ा है कि रटा है, तो रटले रहेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, छितरा जाएंगे, और पढ़ले रहेंगे जैसे बढ़िया समाज समझ के पढ़ेंगे ना तो नहीं छितराएंगे, तो यही है। चलिए, गंगाईकोट चोलपुरम के संस्थापक कौन थे, तो गंगाईकोट चोलपुरम के जो संस्थापक थे वह राजेंद्र प्रथम, कौन, राजेंद्र प्रथम। इगुआ 44 में नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, एक बार भी प्रश्न है भाग्य ना, बड़ी मैंने प्रश्न लेके आए हैं, पूरा 2021 में जो हुआ है ना 26 तारीख को उस सब इसी में है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता, तो यह जैविक एकजुट है, हम शुरू में बता दिए थे कि चार को प्रश्न ऐसा रहेगा जो छोड़ेला रहता है, ठीक ना, तो वाला परेशान मत होइएगा कि कहाँ से पढ़ें। कर्क रेखा भारत के किस समूह से होकर गुजरती है, देखिए ऑप्शन में दिया था कि कौन कौन से राज्य से गुजरता है, तो गुजरात से गुजर भी करता है, झारखंड से और त्रिपुरा से गुजर भी करता है। अच्छा जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, आपका ट्रिक भी आप लोग जानते हैं, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल है ना, राजस्थान, बंगाल, ठीक, गुजरात, झारखंड, 8वां नहीं हुआ तो 8वां है, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मित्र पर गमछा झार है ना, तो 8वां है, ध्यान दीजिएगा। भारत के वाटरमैन के रूप में, पानी आदमी, पानी आदमी, वाटरमैन, ठीक है, तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी, तो ये रचना थी कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, शुरू में बताएं कि दो चार को रहेगा ऐसा जो छोड़े लायक रहेगा। आकार के अनुसार भारत का विश्व में स्थान, आकार माने जितना देश है, तो एगो इतना बड़ा है, एगो इतना बड़ा है, एगो इतना बड़ा है, तो भारत कायम स्थान पर है, तो आकार से पूछ दे तो भारत है 7वें नंबर पर, कैमा नंबर पर, 7वें, सुनवे करते होंगे गाना सात समुंदर पार है ना, तो 7 से 7 याद रख लीजिएगा। कौन समूह का उदाहरण है, तो ऑप्शन में दे दिया था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़, ऐसे दे दिया था मेला का भीड़, तो याद रखिए कि परिवार के जो समूह है ना, परिवार के जो सदस्य हैं समूह है, और भीड़ समूह का थोड़ी उदाहरण है, आपको प्लेटफॉर्म पर किसी से झगड़ा होगा तो कोई काम देगा नहीं ना, समूह में रहिएगा तो काम देगा, तो प्लेटफॉर्म भीड़ का उदाहरण है, वो समूह नहीं होगा। नाम दफा नेशनल पार्क, देखिए नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन बनता है,
अब आप देखिए रहे हैं कि ज्योग्राफी से कितना प्रश्न बन रहा है, तो ज्योग्राफी को पढ़े पड़ेगा बढ़िया से आपको, ठीक। तो नाम दफा जो नेशनल पार्क है यह अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना, तो नहीं ध्यान दीजिएगा इस पर, बढ़िया प्रश्न है। देखिए 51वां प्रश्न, फिलिप स्प्रेड एक अंग्रेज था, इसको दोषी ठहराया गया था, तो मेरठ षड्यंत्र मामले में इसको दोषी ठहराया गया था। किस मामले में? मेरठ षड्यंत्र मामले में फिलिप स्प्रेड को दोषी ठहराया गया था, आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं, पूरा PURA या कहीं प्यूरा इसको पढ़ लेंगे, ठीक ना, प्यूरा का विस्तृत रूप है, तो प्यूरा का विस्तृत रूप है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ये है प्यूरा या पूरा जो भी पढ़ लीजिए का विस्तृत रूप है, ओके। चलिए हम चलते हैं 53 यानी प्रश्न संख्या 53, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, बहुत शानदार प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक कौन सा है जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो वह घटक नियंत्रक छड़ होता है, क्या होता है, नियंत्रक छड़, ध्यान देना था आपको। चलिए 54वां प्रश्न, वेवर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है, निम्नलिखित में से इन्हें की बड़ी मनी ऑप्शन होगा, तो उसमें से प्रथा जो है वह सही आंसर है। शुरू में कहे थे कि चार को ऐसा रहेगा जिकरा पर ज्यादा ध्यान ना देना है, थोड़ा मोड़ा में अगर बन गया तो बन गया, ना तो माथा भुकाना ना है उसमें, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, भारत संघ की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल, शून्यकाल का समय क्या है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय है वह शून्यकाल होता है। पूछ रहा, फिर से पढ़िए, भारत संघ की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल जो है इसका आशय क्या है, यानी कि शून्यकाल कहते किसको हैं, तो वह समय जब प्रश्नकाल होता है समाप्त, प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त हुआ, ठीक, और प्रश्नकाल के ठीक के बाद का जो समय है वही हो जाएगा आपका शून्यकाल। अगला देखिए 56वां नंबर, इसका नाम ही है पेले, है ना, तो पेले जो है यह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी का नाम है जी, पेले जो है ना ये खिलाड़ी का नाम है, ये किस खेल से संबंधित है ये पूछ रहा है, तो पेले जो है वह फुटबॉलर है, क्या है, बढ़िया फुटबॉलर है, बहुत बढ़िया फुटबॉलर था पेले, तो ध्यान देना है आपको। चलिए फुटबॉल के खिलाड़ी था, भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू जो है वह महोत्सव मनाया जाता है, कट्टी बिहू महोत्सव जो है यह भारत के असम राज्य में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, असम, असम की राजधानी जानवे करते हैं दिसपुर, तो ये असम में ही मनाया जाता है कट्टी बिहू महोत्सव। देखो देखिए और है 58वां नंबर प्रश्न, क्वाड, अच्छा आप देख रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न बहुत पूछ रहा है ना भूगोल वाला, तो भूगोल वाला जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछता है तो पढ़िएगा भी बहुत। क्वाड में कौन सा देश शामिल है, मैंने कौन कौन देश है शामिल, तो ध्यान दीजिएगा, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अब होगा जापान जिसको जापान कह देते हैं लोग, भारत है ना, पहले इंडिया कह रहे थे भारत कहते हैं, और एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक, तो ये चारों जो है वह क्वाड में शामिल है, USA जापान भारत ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये चारों क्वाड में शामिल हैं। चलिए 59वां नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं, चलिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह कितनी थी, तो 2001 की जनसंख्या के अनुसार 1,029 मिलियन भारत की जनसंख्या थी, है ना, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो उसी अनुसार कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, पुरुषों का चक्का डिस्कस जो होता है, चक्का डिस्कस जो फेंकते हैं, चक्का डिस्कस थ्रो, उसका वजन, तो यह चक्का डिस्कस का वजन 2 kg, कितना, 2 kg, और दूसरा मत समझ लीजिएगा 2 kg है। किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो भैया 4 फरवरी को, तारीख याद रखिएगा, देखिए दिवस भी पूछता है तो दिवस भी याद रखना है, दिवस से भी प्रश्न आता है, तो किस दिन, तो भैया 4 फरवरी को जो है वह विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 62वां नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, अंतःक्रिया के संदर्भ में
मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार को अध्ययन वरिष्ठ समाजशास्त्र कहते हैं, वरिष्ठ समाजशास्त्र, है ना। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो यह शिक्षा, शिक्षा क्षेत्र जो है, वह शिक्षा नीति जो है यह स्वयं पोर्टल से संबंधित है। देखिए साइंस के प्रश्न आया है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह है व्यतिकरण। उदाहरण देते हैं, जैसे देखते हैं कि जब बरसात होगा पानी पड़ेगा, ये सब मिटा देते हैं। जब बरसात होता है अब पानी पड़ जाता है, अब वजह पड़े कहीं गाड़ी खड़ा है चरपहिया दुपहिया, तो का तेल उल चू गया ही पानी में, तो क्या देखते हैं कि एक पर चमकित रहेगा पनिया पर, ऐसे ऐसे सतरंगी है ना, चमकते रहेगा पानी में। तो वही पूछ रहा है कि तेल की पतली फिल्म पर परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई, तो ये व्यतिकरण की वजह से यही दिखता है। कितना बढ़िया प्रश्न था। ऐसे पूछता है, कह तो रहे हैं कि अगर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो जुड़ जाइए हमसे, जुड़ जाइए, एकदम आपको हिरन बना देंगे, हिरन उछलिएगा, इतना बढ़िया सब करा देंगे। चलिए, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंद को चावल के पानी में मिलाया जाता है, आयोडीन के घोल है अगर कुछ बूंद लेंगे और चावल वाला पानी में मिलाएंगे, तो जो चावल पानी का घोल है या आयोडीन का जो घोल है वो कैसा हो जाएगा? नीला काला। तो ये इंगित करता क्या है कि भैया ये चावल के पानी में स्टार्च है। क्या है? स्टार्च शामिल है, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है? तो अर्थशास्त्र के अध्ययन को समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध किस प्रकार करेगा, इसके बारे में परिभाषित किया गया है, है ना। समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध किस प्रकार करे। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, इसका मुख्य कार्य क्या है, मेन काम कौची है? जैसे आपका मेन काम है कि अभी नौकरी लेना, पढ़ना, है ना, तो वही सतर्कता आयोग का मेन काम है कि देश की जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, है ना। कटी जली हुई एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव पनपता है? कट गया है या जल गया है, तो उस सतह पर पनपता है स्टेफिलोकोकस। नाम याद रखिएगा, स्टेफिलोकोकस या स्टेफिलोकोकस एक ही है, है ना, या कहीं कहीं कोकाई दे देगा, स्टेफिलोकोकाई, तो ध्यान देना। चलिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स, किसने? कार्ल मार्क्स ने दी थी। एक और है 17वां नंबर, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो बड़ी ईजी है ये, तो आसानी से कर लेंगे। देखिए 70 जो प्रश्न था ना वो जीके जीएस था, अब बाकी 30 गो में करंट अफेयर है और कुछ क्या है, रीजनिंग। तो इतना प्रश्न आपको जो है वह करा दिए, 70 प्रश्न लगभग हम आपको करा दिए। अब आप देख लीजिए कि प्रश्न जो है वह ज्यादा कहाँ से है। तो ज्यादा प्रश्न जो है वह आपको पता है कि भूगोल से है, साइंस से है। अब मेंस में थोड़ा सा इसका सिलेबस बदल जाता है, आपको पता ही है, चलिए आगे बता देंगे। तो आपको ज्यादा जो फोकस करना होगा ना पीटी के लिए, ज्योग्राफी पर करिएगा। ज्योग्राफी मतलब ठीक से पढ़िएगा, कहे कि देखिए रहे हैं ज्योग्राफी से कितना प्रश्न बन रहा है। फिर साइंसों के प्रश्न है, साइंस में आपको ज्यादा बायोलॉजी दिखा होगा ना, तो बायोलॉजी पर आपको फोकस करना है। बाकी अब आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि पूरा जितना हुआ है एग्जाम सब पर वीडियो बना दीजिए ऐसे डिटेल में, तो बना देंगे। अगर नहीं चाहते हैं भैया, अगर कहीं और जो पढ़ रहे हैं, कोई बढ़िया मास्टर मिल गया है आपको जो लग रहा है कि आपको पढ़ा रहा है, तो फिर वहीं पढ़िए। बाकी हम तो कहेंगे कि कहीं पढ़िए, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न कर लीजिएगा, ठीक ना, और डिटेल में पढ़िएगा। रटिएगा ना, न रटिएगा तो लपेट देगा, फंसा देगा एग्जाम, बड़ी खराब खराब क्वेश्चन पूछ देता है घुमा के जो ना समझ में आएगा। तो रटे से ना होगा, कैसे होगा, तो याद करे से होगा, समझे से होगा, उसको समझना है और याद करते जाना है, तब होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि चीज़ों को आपने समझा, और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर आपका कमेंट आता है कि कंटिन्यू रखें, तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और संबंधित जो सारे टॉपिक पर हम आपको डिटेल में क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ से भी चाहें तो करा सकते हैं, या बोर्ड भी है हमारे पास, तो हम बोर्ड के भी माध्यम से करा देंगे। जैसा आपका मन होगा, विचार होगा, तो एक बार बताइएगा। और हाँ, अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए कि पीडीएफ मिल जाए, तो हमारे को टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल के नाम है पाठशाला विद केके। ये वीडियो का जब डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ क्लिक करके और चैनल पर जुड़ जाइएगा, और वहाँ से ये पीडीएफ जो है वो आज ही डाल देंगे, और उसको आप प्राप्त कर लीजिएगा।
आपको बिल्कुल मिल जाएगा आसान। पैसा वैसा नहीं लगता है, हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं, फ्री में है। तो ये मान लीजिए पैसा नहीं लगेगा, सोच रहे होंगे ना कि पीडीएफ के पैसा लेगा, पैसा नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्री में दे देंगे। तो चलिए, अब 35 मिनट हो भी गया है, 70 क्वेश्चन आप कर लिए, मतलब बढ़िया कर लिया आधा घंटा में। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन हाँ, ये आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा हमको, कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं फिर, नमस्कार।